नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं आप, तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आप वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हो, शेयर करके अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को उनको भी तो बताओ, जो मोनिटरियम बढ़ गया है, इस तरह से मोनिटरियम लेते हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवा लो। तो देखो, जब आपको बेनिफिट होता है किसी चीज़ से, हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। यही चीज़ जब किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे ना, तो वो आपको मिनिमम अमाउंट चार्ज करेगा, कम से कम 1000, 1200, 1500, 2000, 4000, 5000 तक, क्योंकि ये सब ज्ञान आपको देगा कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देगा। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा ज्ञान हम आपको देते हैं, नॉलेज देते हैं। तो आप लोग का भी फ़र्ज बनता है यार, आप लोग पैसा तो पे नहीं कर रहे हो ना हम लोगों को, तो आपका भी फ़र्ज बनता है दोस्त, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और अपने सभी फ्रेंड लोगों को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराना, तो ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे चीज़ लेके आ सके और आपको ढेर सारा फ़ायदा हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे RBL बैंक का किस तरह से आप मोरिटोरियम एक्सटेंशन ले सकते हैं और किस तरह से क्या प्रोसीजर रहेगा RBL बैंक का मोरिटोरियम लेने का, मोरिटोरियम एक्सटेंशन लेने का, ठीक है। मोरिटोरियम एक्सटेंशन का RBL का प्रोसीजर क्या है और क्या RBL ने किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन निकाला है, क्या RBL ने किसी तरह का कोई अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियल जानकारी दिया है या नहीं दिया है, तो हम आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखना, यदि इधर उधर मिस करोगे तो फिर बाद में मत बोलना, ये कुछ पूछना ही मत फिर बाद में, क्योंकि हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद जब आपको पूरा पढ़ लेते हो सही से, तो फिर आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ध्यान से देखो इसको। चलो, ये देखिए RBL बैंक का आपको क्या करना है, जैसे आप डालोगे ना RBL बैंक मोरिटोरियम एक्सटेंशन गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये वाली देख रहे हो आप, इसको ओपन करोगे तो हम आपके लिए ओपन कर रखे हैं, ये वाली पेज ओपन हो जाएगा, ये वाली पेज ओपन होगा, ठीक है। COVID-19 रेगुलेटरी पैकेज, ये वाली पेज ओपन होगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, ये वाला है ना, ये देखिए, जब आप इसको ओपन करोगे, क्रेडिट कार्ड पैकेज फॉर क्रेडिट कार्ड RBL, इसको हम आप ओपन करेंगे तो ये वाली पेज ओपन हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड मॉनिटरिंग रिक्वेस्ट। तो आप इसमें पढ़ेंगे तो पहले क्रेडिट कार्ड का हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लोन वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड मॉनिटरिंग जी मीन्स RBL बैंक आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो आप RBL बैंक ने बढ़ा दिया है 31 अगस्त तक मॉनिटरिंग कर दिया है, ऑफिशियली इन्होंने वेबसाइट पर भी डाल दिया, ये देखिए, ऑल यू नीड टू नो अबाउट मॉनिटरिंग अनाउंस बाय RBI, ठीक है। RBL बैंक क्रेडिट कार्ड मेंबर्स कैन अवेल पेमेंट डिफरमेंट टिल 31 अगस्त 2020, ठीक है, बाय ऑप्टिंग इन फॉर मॉरिटोरियम, आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा मॉरिटोरियम के लिए। ये देखिए 31 अगस्त तक RBL ने बढ़ा दिया है, जैसा कि RBI ने बढ़ाया है। अब ये आज पर नोटिफिकेशन इशूड हुआ, RBI की जो नोटिफिकेशन इशूड किया गया था उसी के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, RBL बैंक ने, रत्नाकर बैंक लिमिटेड जो है RBL बैंक, उन्होंने भी अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर को लोन EMI डिफरमेंट का यानी मोरिटोरियम एक्सटेंशन का फैसिलिटी 31 मई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गई। अब इसको लेना कैसे है दोस्त, अब लेने के लिए तो वही पुराना प्रोसीजर है, ऑप्ट इन करना पड़ेगा, ऑप्ट इन के लिए आपको इधर कहीं दिया होगा मैसेज करने के लिए, ठीक है, क्लिक हियर टू डिटेल FAQs, यहाँ पे ये कर लेना, ठीक है ना। यदि आपने पहले से ले रखा होगा तो भी यहाँ पे ऑप्ट इन यहाँ पे लिख दिया है, आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ लिखा है, द फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड एज दिस, ये देखिए ऑप्टिंग इन, बाय ऑप्टिंग इन फॉर मॉरिटोरियम, ठीक है, ऑप्ट इन करना पड़ेगा आपको, देखिए ऑप्ट इन करना पड़ेगा, मैंने बताया था क्या आपको, इसमें लिखा है ऑप्टिंग इन फॉर मॉरिटोरियम। अब ऑप्ट इन कैसे करेंगे, मतलब आप क्रेडिट कार्ड पे, RBL की जो क्रेडिट कार्ड है उस पे आप ऑप्ट इन कैसे करेंगे, तो ऑप्ट इन के लिए आप इसको करेंगे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए कैन आई ऑप्ट इन फॉर मॉरिटोरियम फैसिलिटी, यहाँ लिखा योर कार्ड विल बी इनरोल्ड फॉर मॉरिटोरियम, मतलब आपका कार्ड ऑटोमेटिकली इनरोल होगा, ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होगा मॉरिटोरियम के लिए, यदि पेमेंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ड्यूज इज नॉट रिसीव्ड, मतलब क्या हुआ, यदि आपका बिल जितना का बना है उसमें एक मिनिमम अमाउंट भी लिखा होगा और एक टोटल अमाउंट ड्यू लिखा होगा, यदि मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं आप पे करते हो जो ड्यू डेट है या उनसे पहले करंट स्टेटमेंट का, ठीक है ना, तो आपकी कार्ड ऑटोमेटिक इनरोल हो जाएगा मॉरिटोरियम के लिए। प्लीज़ नोट, आप कृपया करके नोट ये भी कर लो, यदि आप योर कार्ड विल बी टेम्पोरली ब्लॉक्ड, मतलब आपका कार्ड जैसे मॉनिटर में आप लोगे वैसे ही क्रेडिट कार्ड की बता रहा हूँ,
तो आपकी का आपका कार्ड टेम्प्रोरी ब्लॉक हो जाएगा ड्यूरिंग मॉरिटोरियम पीरियड टिल पेमेंट ऑफ ड्यू इज़ रिसीव्ड। यदि आपके क्रेडिट कार्ड पर लिमिट है और आपने मॉरिटोरियम ले लिया है, मिनिमम अमाउंट पे नहीं किया है, तो आरबीएल क्या करेगा, जो आपकी कार्ड को टेम्प्रोरली ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा का मतलब ये हो गया आप कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप पूरा पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये नुकसान है। अब ये भी देखो, ये फैसिलिटी आरबीएल ने बढ़ाया है 31 अगस्त तक के लिए, ठीक है, एज पर आरबीआई नोटिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जो भूल के भी आप मॉरिटोरियम फैसिलिटी ले लो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पे आपको मॉरिटोरियम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत, बहुत ज़बरदस्त दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट है बहुत हाई है, ठीक है। यदि लोन चल रहा है तो लोन पे तो ले ही लो, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आप पे कर ही दोगे 2-3 महीने का, 6 महीने का, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे मत लेना, नहीं लेना चाहिए मॉरिटोरियम। इस वीडियो में आपने देख लिया आरबीएल बैंक ने क्रेडिट कार्ड का मॉरिटोरियम बढ़ा दिया 31 अगस्त तक, लेकिन लोन का इन्होंने कोई जानकारी हमने दिया हो देखा, चेक किया हुआ इनका वेबसाइट पर आज के डेट में भी, आज का डेट भी देख लो आप, करेंट टाइमिंग देख लो कितना हो रहा है, करंट टाइमिंग हो रहा है 8:58 तक, इन्होंने कोई भी अपनी वेबसाइट पे लोन का अपडेट नहीं दिया है। लेकिन जैसा कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड का बढ़ा दिया है, तो ठीक उसी तरह से ये लोन का भी बढ़ाएगा, उसके लिए ये भी अपना प्रोसीजर निकाल रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।